नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में सवाल पूछा गया क्वेश्चन से ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड इज सो स्ट्रांग दैट इवन लाइट कैनॉट एस्केप फ्रॉम इट टू वॉट अप्रॉक्सिमेट रेडियस वुड अर्थ जिसका अपने को मास दिया हुआ है फाइव पॉइंट नाइन इंट ट्वेंट प्वेंटी फोर के जी हैव टू बी कंप्रेस टू बी अ ब्लैक होल अर्थ को हम कितना श्रिंक करें कितना श्रिंक हो जाए अर्थ कि वो ब्लैक होल की तरह बिहेव करने लगे अगेन हाइपोथेटिकल सवाल है अर्थ श्रिंक नहीं हो रही डोंट वरी अबाउट इट ठीक है तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि कितना अर्थ को श्रिंक करें कि वो अर्थ की जो अलाइट अर्थ का बिहेवियर ब्लैक होल जैसा हो जाए यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन हम आ, यूज कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमें सी होती है छोटा सी वो हमें पता है उसकी वैल्यू होती है थ्री पॉइंट एट इंटू ट्वेंट पावर नाइन वो जो अगर लाइट भी एस्केप ना कर पाए इसका मतलब ये है कि जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हम सी के बराबर रख सकते हैं सो इफ़ दैट इज़ द केस हम कह सकते हैं कि आपकी एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू सी ये वैल्यू रख देंगे तो अपना रिलेशन uh, कुछ ऐसा दिखेगा इट विल से एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन होता है टू जी एम बाई आर विल बी इक्वल टू सी अगर हम दोनों तो स्क्वायर कर दें सो दट विल बी टू जी एम डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर सी को हमें डर आए सो ये वैल्यू है जो हमें कैलकुलेट करनी है डेटा रख के वैल्यू रख के यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा सो so, आर की वैल्यू आई सो so, इसका आर की वैल्यू आई टू मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाई एम एम की यहाँ पे अपने को वैल्यू दे रखी है फाइव पॉइंट नाइन एट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय सी यानी कि थ्री इंटू टेन टू द पावर एट का स्क्वायर हाँ लेकिन तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाय फाइव पॉइंट नाइन एट डिवाइडेड बाय नाइन इसमें एक बार टेन की पावर और रिजॉल्व कर लेते हैं सो दिस विल बी टेन टू द पावर माइनस इलेवन ये ट्वेंटी फोर सो ये बन गया टेन टू द पावर थर्टीन और नीचे टेन टू द पावर माइनस सिक्सटीन है ऊपर जाके माइनस सिक्सटीन बन जाएगा सो so और यहाँ पर ऑलरेडी थर्टीन था सो दिस विल बी टेन टू द पावर माइनस थ्री सो so, इसे कैलकुलेट करना है और अपने को आंसर मिल जाएगा नाउ इसे कैलकुलेट करने का सिर्फ हमें अंदाजा लेना है बिकॉज चार ऑप्शन अपने सिर्फ टेन टू दी पावर माइनस के टर्म में हमें आंसर देना है सो so, अगर इसका सिर्फ अंदाजा लिखना हो तो एग्जाम हॉल में कैसे कर सकते हैं सो so, इस फाइव पॉइंट नाइन एट को आप रिप्लेस कर लीजिए सिक्स से तो एक बार सिक्स से वो करेंगे तो ये थ्री बना और ये यहाँ पे थ्री रह गया इसको भी अगर हम सिक्स पॉइंट सिक्स लिख लें तो इससे कैलकुलेट होके ये टू पॉइंट टू रह गया अब ये इसको मल्टीप्लाई करके हमें कुछ 2.2 पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई टू विल बी 4.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री करके ट्वेल्व पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी 12.3 का एक जीरो uh, हम यहाँ यूज कर सकते हैं सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 2 माइनस टेन टू द पावर माइनस टू मीटर की रेंज में uh, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 10 टू द पावर माइनस टू वुड बी द राइट आंसर